राजीव। तो दोस्तों, आज बात राष्ट्रपति चुनाव की। जी हां, इसी महीने की 18 तारीख को देश के सर्वोच्च पद के लिए चुनाव है, यानी राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव है। इस चुनाव में सत्ता पक्ष की तरफ से द्रौपदी मुर्मू को मैदान में उतारा गया है, जबकि विपक्ष ने यशवंत सिन्हा पर दांव लगाया है। द्रौपदी मुर्मू को जब उम्मीदवार बनाया गया तो बहुत से लोगों ने इसे बीजेपी का एक और मास्टर स्ट्रोक बताया, क्योंकि बीजेपी ने आदिवासी समुदाय से आने वाली एक महिला प्रत्याशी को खड़े करके संदेश देने की कोशिश की कि उसकी सोच कितनी प्रगतिशील है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जिसे लोग बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक कह रहे हैं, कहीं वही दांव द्रौपदी मुर्मू पर भारी न पड़ जाए। बीजेपी पर नहीं, द्रौपदी मुर्मू पर भारी पड़ जाए, न पड़ जाए। द्रौपदी मुर्मू के मुकाबले यशवंत सिन्हा मैदान में हैं और वो लगातार यही कह रहे हैं कि अगर वे राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठते हैं तो रबर स्टैंप की तरह काम नहीं करेंगे, बल्कि देश के संविधान और लोकतंत्र के लिए जो जरूरी होगा वो कदम उठाएंगे, उसी के मुताबिक अपनी सरकार को सलाह देंगे। यशवंत सिन्हा ने कहा है कि इसके साथ साथ ही कि द्रौपदी मुर्मू के सामने मौजूदा हालात पर बोलने की भी चुनौती है और उसे वो पेश भी कर रहे हैं। और यशवंत सिन्हा ने कहा है कि मैं कई जगहों पर पूछता हूँ कि द्रौपदी जी कहीं गईं, अगर कहीं गईं तो क्या उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान की बात कर रहे हैं जब अभी चुनाव प्रचार में यशवंत सिन्हा जा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं हर जगह। क्या द्रौपदी मुर्मू जी कहीं गई हैं तो उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? देश की जो स्थिति है उस पर कुछ उन्होंने बोला है? आर्थिक स्थिति जो है देश की उस पर क्या ख्याल है? भारत की जो विदेश नीति है उस पर उनके ख्याल क्या हैं? समाज में जो कुछ हो रहा है उस पर उनके विचार क्या हैं? ये पूछ रहे हैं यशवंत सिन्हा जी, जो विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। बहुत उम्मीदें हैं यशवंत सिन्हा जी को कि कहीं उनकी तरफ विपक्षी उम्मीदवार ही नहीं बल्कि देश के जो सत्ता पक्ष के लोग भी अगर आकर्षित हो गए तो शायद उनकी जीत हो जाएगी। तो जाहिर है कि द्रौपदी मुर्मू पर जो सवाल उठाए हैं यशवंत सिन्हा ने, उससे मुर्मू फंस सकती हैं, क्योंकि बीजेपी अभी इसी तरह से काम कर रही है कि जरूरी मुद्दों पर पीएम भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं तो मुर्मू कैसे मीडिया से चर्चा कर सकती हैं। यशवंत सिन्हा के बाद अब आज कांग्रेस नेता डॉक्टर अजय कुमार ने बीजेपी की विचारधारा पर सवाल उठाते हुए कहा है कि द्रौपदी मुर्मू एविल फिलॉसफी ऑफ इंडिया, यानी खराब दर्शन का प्रतिनिधित्व करती हैं। द्रौपदी मुर्मू को आदिवासियों का प्रतीक नहीं बनाया जाना चाहिए। देश में अनुसूचित जाति के लोगों की स्थिति बदतर हो गई है। इससे पहले ये जो कह रहे हैं, ये डॉक्टर अजय कुमार जो कांग्रेस के नेता हैं, इन्होंने ये सवाल उठाया है, और खासकर कि द्रौपदी मुर्मू को आदिवासियों का प्रतीक नहीं बनाया जाना चाहिए, देश में अनुसूचित जाति के लोगों की स्थिति बदतर हो गई है। आखिर क्यों ऐसी बात कह रहे हैं कांग्रेस नेता डॉक्टर अजय कुमार? ये भी आपको बताऊं कि कांग्रेस ने कुछ दिन पहले वन अधिकार कानून में जो मोदी सरकार ने बदलाव किया है उस पर, केंद्र सरकार के उस फैसले पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस ने कहा था कि इस फैसले ने या आदिवासी समुदाय के हितों को गंभीर चोट पहुंचाई है, जबकि बीजेपी मुर्मू को प्रतीक बनाकर खुद को आदिवासियों का सबसे बड़ा हितैषी साबित करना चाहती है। तो दोस्तों, जाहिर है कि ये सारी टिप्पणियां द्रौपदी मुर्मू पर नहीं बल्कि उनके बहाने बीजेपी पर की गई हैं, और ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के आदिवासी विरोधी फैसलों के कारण उसे नुकसान उठाना पड़ सकता है, और कहीं इसका बहुत ज़्यादा नुकसान द्रौपदी मुर्मू को ना उठाना पड़े। अगर ऐसा हुआ तो कहें तो ये कहा जा सकता है कि करे कोई और भरे कोई, ऐसी नौबत आ सकती है। वैसे भी बीजेपी में जिस तरह आपसी लड़ाई और झगड़ा चल रहा है उसका नुकसान भी राष्ट्रपति उम्मीदवार को उठाना पड़ सकता है। आज राजस्थान में जो तस्वीर सामने वहाँ से आई है वो सभी ने देखी है, आइए एक बार आपको भी दिखा देता हूँ। और ये मौका था द्रौपदी मुर्मू के स्वागत का। क्या कुछ है पहले विजुअल देख लेते हैं, फिर इस पर टिप्पणी करूंगा उसको क्या कुछ है वो जरा हम समझेंगे। दिखाइए जरा राजस्थान के उस विजुअल को जहां द्रौपदी मुर्मू आने वाली थी, उससे पहले बीजेपी नेता आपस में कैसे भिड़ गए। पार्टी का झंडा
और कोई भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद नारा भी नहीं लगाएगी, ठीक है। भारत माता की जय, भीम भगवान की जय, बाकी सब करो, बट अब इस जनता कितनी खुशी है पूरे राजस्थान से लोग। तो आपको जो आपको सर घुस जाएंगे इसके अंदर, बिल्कुल घुस जाएंगे। आप निकालो, आप रुको, सही एक मिनट ले रहे हैं ना। दरअसल बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा और विधानसभा में पार्टी के उपनेता राजेंद्र सिंह राठौर के बीच जमकर विवाद हो गया। ये जो विवाद आप देख रहे थे, दोनों नेताओं के बीच जमकर तूतू मैं चली, जुबानी लड़ाई हाथापाई तक पहुंच गई। ऐसा पहुंच नहीं गई, लेकिन मामला ज्यादा बढ़े उससे पहले आपने देखा होगा कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की भी एंट्री हो गई। उन्होंने बीच बचाव करना यहाँ जरूरी समझा और दोनों को शांत करके अलग किया गया। पार्टी के दोनों ही दिग्गज एक दूसरे पर पार्टी को कमजोर करने के आरोप लगा रहे थे। दरअसल राजस्थान में राजेंद्र राठौर को मुर्मू के इलेक्शन एजेंट की जिम्मेदारी दी गई है। राजेंद्र राठौर ही द्रौपदी मुर्मू के दौरे की सारी व्यवस्थाएं देख रहे हैं, लेकिन कार्यक्रम स्थल की व्यवस्थाओं को लेकर किरोड़ी लाल मीणा जो हैं वो भड़क उठे। किरोड़ी लाल मीणा ने राठौर पर आरोप लगाया कि उन्होंने चापलूसों की भीड़ जोड़ रखी है, पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम में शामिल होने से रोका जा रहा है, पार्टी कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम स्थल तक आने नहीं दिया जा रहा है, प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा है। मीणा के जो ये जो नाराजगी है उसका कारण था कि उनके समर्थकों को, खासकर मीणा के समर्थकों को कार्यक्रम स्थल पर जाने नहीं दिया जा रहा है। तो दोस्तों सवाल ये है कि क्या बीजेपी की कमजोरियों से मात खाएंगी द्रौपदी मुर्मू? क्या नई बीजेपी यानी न्यू बीजेपी जो है कि पसंद की जगह है पुरानी बीजेपी के सदस्य को मिलेगी जीत? यहां बात दूसरी है। अब कितनी किसे क्या जीत मिलती है, क्योंकि अब 5 दिन के बाद, आज 13 तारीख है और 18 को यानी 5 दिन बाद चुनाव है और सब कुछ फिक्स हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद अगर यहां जो कुछ आप देख रहे हैं, जो विजुअल देख रहे हैं, जो तूतू मैं देख रहे हैं आप, और उससे पहले जिस प्रकार हमलावर हैं यशवंत सिन्हा, क्या देश के जो सांसद हैं जो इस चुनाव प्रक्रिया में भाग लेंगे, जो सदस्यगण हैं, वो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनेंगे? सवाल बहुत हैं दोस्तों, अंतरात्मा की आवाज़।